कर इन्फिनिक्स के बारे में आप लोग सभी जानते हैं। इन्फिनिक्स के काफ़ी सारे फ़ोन आपने देखे हैं इंडिया में, लेकिन जो सभी फ़ोन उन्होंने लॉन्च किए हैं वो आपको बजट कैटेगरी के वो देखने को मिले, साथ में जो उनकी प्राइस टू परफॉर्मेंस का रेशियो है वो काफ़ी आपको कम देखने को मिलता है, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में वो आपको बिलो एवरेज है वो देखने को मिलते हैं। लेकिन फाइनली कुछ स्मार्टफोन आएंगे जो इन्फिनिक्स का आप कह सकते हो कि गेम चेंज करेंगे इंडिया में, और काफ़ी बेटर स्पेक के साथ आपको देखने को मिलेंगे और वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन होंगे जिस प्राइस सेगमेंट में भाई ये आने वाले। तो बात करेंगे दोस्तों उन्हीं में से एक स्मार्टफोन की, जो कि है इन्फिनिक्स का नोट 7। फाइनली यार अप्रैल के मंथ में ये कई कंट्रीज़ में लॉन्च हो चुका था ऑलरेडी, बट इंडिया में नहीं आया था। काफ़ी समय पुरानी बात है और बहुत लोगों ने कहा था कि इंडिया में आएगा आएगा, हमने भी वीडियो बनाई थी। लेकिन फाइनली अब 16 सितंबर को दोस्तों ये इंडिया में ऑफिशियली वो लॉन्च होने वाला है, यानी कि सितंबर के मंथ में भाई आपको इंडिया में ये देखने को मिल जाएगा। क्या है इस फ़ोन में, क्या इसकी प्राइसिंग होगी, सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, साथ में आपको ये फ़ोन लेना चाहिए या नहीं या इसका वेट करना चाहिए, सभी के बारे में एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। बिना किसी देरी के हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी की। तो बिल्ड क्वालिटी के मामले में दोस्तों फोन आपको पॉलीकार्बोनेट का देखने को मिलेगा, लेकिन ग्लोसी बैक है वो आपको देखने को मिलेगी, और इस सेगमेंट में लगभग सभी फोन से आपको वो पॉलीकार्बोनेट की बैक के साथ ही देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम शिकायत नहीं कर सकते कि भाई इन्फिनिक्स ने पॉलीकार्बोनेट क्यों दिए, ग्लास के बैक क्यों नहीं दिए, क्योंकि सभी दे रहे हैं तो भाई इन्होंने भी दिए, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। बाकी डिज़ाइन की बात करते हैं तो ये मुझे सबसे बेस्ट डिज़ाइन लगा है जिस प्राइसिंग में भाई ये आने वाला है। प्राइसिंग क्या होगी मैं आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। यहाँ पर आप बैक साइड से देखोगे तो आपको राउंड शेप में यहाँ पर क्वाड रियर कैमराज हैं वो देखने को मिलेंगे। खास बात दोस्तों ये है कि बैक में जो फिनिशिंग आपको देखने को मिली है, जो आपको ग्राफिकल जो डिज़ाइन देखने को मिला है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलेगा। साथ में बैक में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर वो देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको इस फोन में साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो देखने को मिलेगा। तो डिज़ाइन के मामले में फ़ोन वन ऑफ द बेस्ट रहेगा। फ्रंट साइड से भी इसका डिज़ाइन अच्छा होगा, क्योंकि यहाँ पर आपको पंच होल वाली डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी इंप्रेसिव चीज़ है। डिस्प्ले की बात करते हैं तो आपको 6.95 इंच की एक बड़ी डिस्प्ले वो देखने को मिलेगी, लगभग 7 इंच के आसपास की। तो बड़ी डिस्प्ले बहुत लोगों के लिए अच्छी चीज़ होगी, लेकिन बहुत लोगों के लिए नहीं है, बट फिर भी कह सकते हैं कि बड़ी डिस्प्ले आपको मिली है। बाकी HD प्लस का रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, तो फुल HD फोन ये नहीं है, तो इससे आप सोच सकते हो कि प्राइसिंग काफ़ी कम रहेगी इस फोन की। बाकी यहाँ पर आपको गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगी। कौन सा वर्जन है भाई ये कंपनी ने मेंशन नहीं किया है। 60Hz के रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगी। तो ओवरऑल कहें तो बेसिक सी डिस्प्ले, बस हाँ डिस्प्ले का साइज बड़ा है और डिज़ाइन आपको बेहतर देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं दोस्तों हाईलाइटिंग फीचर की, यानी कि परफॉर्मेंस की। इससे पहले जो भी आपने इन्फिनिक्स के फ़ोन देखे हैं सभी में आपको हेलियो का P22 A22 यही चिपसेट है वो देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस फोन में आपको मीडियाटेक का हेलियो G70 वाला चिपसेट है वो देखने को मिलेगा, यानी कि जो Narzo 10A में या Realme C3 में आपने देखा था वही सेम परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी, यानी कि अब की बार थोड़ा बेटर चिपसेट इन्होंने यूज़ किया है, तो मेरे हिसाब से सही चीज़ है। 12nm के ऊपर है, कोटेक्स के A75 वाले कोर से, जो लेटेस्ट कोर आप नहीं कह सकते, बट फिर भी बजट के हिसाब से तो आपको लेटेस्ट ही देखने को मिल रहे हैं, तो वो काफ़ी डिसेंट सी आपको परफॉर्मेंस देंगे। साथ में माली का G52 का आपको MC2 लेवल का, यानी कि डुअल कोर GPU देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस के मामले में कोई शिकायत नहीं है, Narzo 10AGC परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल जाएगी। साथ में इस फोन में आपको 4GB रैम वेरिएंट भी देखने को मिल जाएगा, साथ में कहा जा रहा है कि 6GB रैम वेरिएंट के साथ ये इंडिया में आ सकता है। तो ओवरऑल कहें तो भाई परफॉर्मेंस के मामले में तो फोन मुझे सही लगा है, और अब की बार इंप्रूवमेंट किया है तो इसके लिए थम्सअप आप कर सकते हो, तो ये एक सही चीज़ की है अब की बार इन्फिनिक्स ने। अब परफॉर्मेंस के बाद बात करते हैं बैटरी डिपार्टमेंट के, क्योंकि ये भी इसका हाईलाइटिंग फीचर होने वाला है। यहाँ पर आपको 5000mAh की बड़ी बैटरी है वो देखने को मिलेगी। बहुत सारे ब्रांड दे रहे हैं 5000mAh की बैटरी, तो ये बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बड़ी चीज़ दोस्तों ये है कि आपको 18W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ में चार्जर डब्बे में देखने को मिल जाएगा, तो ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है इस स्मार्टफोन के साथ। बाकी आपको microUSB का पोर्ट मिलेगा यहाँ पर, यानी कि टाइप सी देखने को नहीं मिलेगा, बट मेरे हिसाब से इतना इश्यू की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 18W की चार्जिंग मिल रही है, तो मेरे हिसाब से इसको नेगलेक्ट आप कर सकते हो। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों लास्ट में कैमरा की, कैमरा क्या रहेंगे इस फोन के। 48MP का आपको प्राइमरी सेंसर देखने को मिलेगा, साथ में आपको यहाँ पर 2MP का एक मैक्रो लेंस देखने को मिलेगा, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का एक डेडिकेटेड वीडियो कैमरा देखने को मिलेगा, यानी कि इस फोन में आपको अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस नहीं मिलेगा। ये एक मेरे हिसाब से माइनस पॉइंट है, मेरे हिसाब से देना चाहिए था, बट यहाँ पर 2MP का जो वीडियो कैमरा है वो मेरे हिसाब से कुछ काम का नहीं है, उसकी जगह अगर आप 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल का लेंस दे देते तो सही बात होती मेरे हिसाब से। बाकी 16MP का एपर्चर 2.0 वाला आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिलेगा। दोनों ही फ्रंट बैक कैमरे से आप 1080p पर 30fps पर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो, स्टेबलाइजेशन आपको फोन में देखने को नहीं मिलेगी दोस्तों। बाकी अगर मैं एंड्रॉइड वर्जन की बात करूँ तो एंड्रॉइड 10 के ऊपर देखने को मिलेगा, साथ में कस्टम UI जो कि XOS है इन्फिनिक्स की वो देखने को मिलेगी। तो ओवरऑल में भाई ये पैकेज है पूरे स्मार्टफोन का। तो ये था दोस्तों कंप्लीट पैकेज इस स्मार्टफोन का। बात करते हैं प्राइसिंग की, प्राइसिंग क्या आपको देखने को मिलेगी।
दोस्तों लीक के हिसाब से जो प्राइसिंग आई है वो है अराउंड 10 to 12,000 रुपीज, बट उम्मीद है कि इंडिया में भाई ये 10,000 रुपए के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। 10,000 रुपए के अंदर अगर ये स्मार्टफोन आएगा तो डेफिनेटली एक अच्छा ही स्मार्टफोन होगा, वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन मैं इसको कहने वाला हूं, क्योंकि नार्जो 10A को अगर आप देखते हो तो वहां पर कैमरा के मामले में, फास्ट चार्जिंग के मामले में वो फोन थोड़ा पीछे हो जाता है। बाकी डिजाइन भी उसके नार्जो 10A से मुझे बेटर लग रहे हैं और हर चीज में थोड़ा सा ये बेटर ही निकल कर आ रहा है। और रेडमी 9 प्राइम जो कि सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन है अंडर 10,000 रुपीज, उसको भाई ये कम्पीट करने आएगा। हालांकि रेडमी 9 प्राइम स्टिल इससे बेटर चॉइस होगी क्योंकि ब्रांड वाइज भी और ओवरऑल स्पेसिफिकेशन के वाइज भी, बट फिर भी एक अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर इन्फिनिक्स की तरफ से एक इंप्रूवमेंट की है, आई थिंक कि एक सही चीज की है इन्होंने, और धीरे धीरे इनका जो नए स्मार्टफोन आएंगे वो काफी बेहतरीन चिपसेट के साथ, बेहतरीन स्पेक्स के साथ आपको देखने को मिलेंगे। तो आप मुझे बताना वीडियो में कि इन्फिनिक्स का ये काम आपको कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी जैसे ही फोन आएगा हम देखेंगे कि कैसे इसकी कैमरा परफॉर्मेंस है वो रहती है। इसमें इतना वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक ले जाइए, जय भारत।